Welcome to all of you in this YouTube channel of GATE classes, which is a great initiative by the TQ faculties. I, Vivekanand, welcome you all in this lecture of electromagnetic theory, which is a lecture number 9, and we will discuss Maxwell's equation in this particular lecture. Okay, so let's start with the Maxwell's equation. Firstly, we will discuss the point form or differential form. Differential form of Maxwell's equation. The first equation is del dot T is equals to rho V, which is known as a point form of Gauss law. Point form of Gauss law. Second equation is del cross E is equals to minus of del V by del T, which is known as point form of Faraday's law. Point form of Faraday's law. Third equation is del dot B is equals to 0, which is a non-existence of monopole. Non-existence of monopole. And fourth equation is del cross H is equals to JC plus JD. JD means delta D by delta T, which is a modified form of Ampere circuit. Modified form of Ampere's circuit law. So these are the four Maxwell's equations, which are very, very important and highly applicable and useful, especially when we discuss about the transmission line, electromagnetic wave propagation and antenna. The HRO equation bahut important hai. Pehli equation Gauss law hai, dusri Faraday law hai, teesri non-existence of monopole hai aur chauthi equation hai Ampere circuit law ka point form, modified form. ठीक है, अब पहली इक्वेशन का स्टेटमेंट यदि हम देते हैं तो क्या देंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. दूसरी इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या देंगे, कर्ल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. तीसरी इक्वेशन, डाइवर्जेंस ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज जीरो. चौथी इक्वेशन, कर्ल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is equals to conduction current density plus displacement current density, where displacement current density is represented by JD, which is equals to delta D by delta T. ये चार हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशन आ गई हैं, ठीक है? अब आइए, अब हम देखें कि इंटीग्रल फॉर्म हमें कैसे निकालना है. इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है? So the very important aspect is, if you want to derive the integral form of the Maxwell equation, we just know two things. One is called divergence theorem, and second one is called Stokes theorem. Okay, divergence theorem and Stokes theorem. इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम. इससे हम इंटीग्रल फॉर्म निकाल सकते हैं. तो अब सवाल ये उठता है कि मैक्सवेल की जो चार इक्वेशन है, उन चारों को हमें इंटीग्रल फॉर्म में बदलना है, तो किसके लिए हम डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे और किसके लिए स्टोक्स थ्योरम. तो आइए पिछली स्लाइड पर चलते हैं. देखिए, जहां पर डाइवर्जेंस ऑपरेशन यूज हो रहा है वहां डाइवर्जेंस थ्योरम, और जहां कर्ल ऑपरेशन यूज हो रहा है वहां स्टोक्स थ्योरम. तो पहले में क्या लगेगी, डाइवर्जेंस थ्योरम. दूसरे में क्या लगेगी, स्टोक्स थ्योरम. तीसरे में क्या लगेगी, डाइवर्जेंस थ्योरम. चौथे में क्या लगेगी, स्टोक्स थ्योरम. आइए, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है. डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है किसी वेक्टर का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल उसी वेक्टर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है. किसी भी वेक्टर का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल उसी वेक्टर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है. इस थ्योरम का नाम हमने क्या दिया है, डाइवर्जेंस. तो आइए देखिए, पहली मैक्सवेल इक्वेशन में यहाँ पे वेक्टर कौन सा यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर T. सो लेट अस ऑपरेट दिस पर्टिकुलर डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर वेक्टर T. सो इट विल बिकम D डॉट ds T
इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डेल डॉट डी डीवी, डी डॉट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल डॉट डी डीवी। और आप देखेंगे कि डेल डॉट डी बराबर तो रो भी है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन नंबर वन, देन आई कैन सिंपली से इंटीग्रल डी डॉट डी एस, और डेल डॉट डी की वैल्यू क्या मिल गई हमें, रो भी। सो दिस इज सिंस वी नो डैट डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो भी, तो इस तरह से इसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया और ये हमें जो मिल गई वो क्या बन गई, ये बन गया इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन का हमने इंटीग्रल फॉर्म निकाल लिया। आइए अब चलते हैं दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन। दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन है डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेल वी बाय डेल टी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल टी। अब सिंस यहाँ पे हम ऑपरेशन जो यूज कर रहे हैं वो कर्ल यूज कर रहे हैं, और कर्ल का कर्ल के लिए कौन सा थ्योरम, स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम कहता है किसी वेक्टर का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल उसी वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी वेक्टर का क्लोज लाइन इंटीग्रल उसी वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। तो यहाँ पे वेक्टर कौन सा यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई, तो हम ई के लिए इसको अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ई डी एस। नाउ अगेन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल क्रॉस ई विच इज माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल टी डी एस, और यहाँ पे क्या आ गया ई डॉट डी एल। So this is called integral form of the Maxwell equation, integral form of the Maxwell equation number 2. ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरी Maxwell equation को integral form में convert करना है। तीसरी Maxwell equation बहुत simple है, which is nothing but the non-existence of monopole and del dot b बराबर 0. अब क्योंकि यहाँ operation कौन सा use हो रहा है, divergence, तो हम divergence theorem लगाएंगे। divergence theorem क्या कहता है, किसी भी vector का closed surface integral उसी vector के divergence के volume integral के बराबर होता है। लेकिन यहाँ वेक्टर कौन सा यूज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर बी, सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर बी, सो दिस विल बी बी डॉट डी एस इंटीग्रल डेल डॉट बी डी वी, एंड व्हाट इज डेल डॉट बी, जीरो, सो इट विल बिकम बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, दिस इज द पॉइंट फॉर्म ऑफ द थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। Now we come to the fourth Maxwell equation, which is nothing but the modified form of the Ampere circuit law, that is del cross H is equal to JC plus del D by del T. Let us talk about that. Del cross H is equal to JC plus JD. What is del cross H? Del cross H means curl of the magnetic field intensity, and it is equal to conduction current density plus displacement current density. Conduction current density is J, and displacement current density is represented by delta D by delta T is equals to क्या हो गया del cross H। ये बन गई हमारे पास equation। आइए हम Stokes theorem लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा operation दिखाई दे रहा है, curl। तो vector H के लिए Stokes theorem लगाते हैं। Stokes theorem के मुताबिक किसी भी vector का closed line integral उसी vector के curl के surface integral के बराबर होता है। ठीक है, तो एक ही जगह हम H रख देंगे, तो integral H dot dl is equals to integral del cross H dot ds, और del cross H की वैल्यू हम रख देते हैं पॉइंट फॉर्म ऑफ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ का, जो पॉइंट फॉर्म है जो ऊपर लिखा है उसको वैल्यू पुट कर दिया, J प्लस डेल्टा डेल्टा डी बाई डेल्टा टी इन अ ब्रैकेट इन टू डी एस। दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, एंड दिस इज द पॉइंट फॉर्म ऑफ द फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यदि हमें मैक्सवेल इक्वेशन का पॉइंट फॉर्म आता है तो हम केवल से डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम की मदद से इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि कुछ फॉर्म हम और समझ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें बोला जाता है मैक्सवेल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस, मैक्सवेल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस, तो ये कैसे हम पढ़ेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस। मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस यदि हमें पढ़ना है, थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ मैं, लेट मी राइट इट बेटर मैं ना।
मैक्सवेल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस। तो आप देखिए हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन जो थी वो थी डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो वी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल टी, डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो एंड डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू जे प्लस डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। ये चार पॉइंट फॉर्म मैक्सवेल इक्वेशन की, ठीक है। अब आप देखेंगे कि फ्री स्पेस जो है उसमें किसी भी प्रकार का चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। मतलब उसमें लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सब के सब जीरो होते हैं, कंडक्टिविटी भी जीरो होती है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डेल डॉट डी बराबर जीरो, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी नहीं फ्री स्पेस में, और डी बराबर एप्सिलॉन ही होता है, ठीक है। डी बराबर होता है एप्सिलॉन ही, एप्सिलॉन को मैं डिवाइड करता हूँ तो डेल डॉट ई बराबर भी जीरो लिख सकता हूँ। ये भी मैक्सवेल इक्वेशन ही कहलाएगी फ्री स्पेस के लिए। तो चाहे आप इसे कहिए ये मैक्सवेल इक्वेशन है फ्री स्पेस की, इसे भी कह सकते हैं मैक्सवेल इक्वेशन फ्री स्पेस, और इसको कहेंगे मैक्सवेल इक्वेशन फॉर जनरल मीडियम। अब दूसरी इक्वेशन देखिए, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी। अब बी बराबर होता है म्यू नॉट म्यू आर एच, लेकिन फ्री स्पेस के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या है वन, यानी बी बराबर म्यू नॉट एच, म्यू नॉट को बाहर ले लिया तो माइनस ऑफ म्यू नॉट डेल एच बाई डेल टी। नाउ दिस इज स्पेसिफिकली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर फ्री स्पेस, और यू कैन से दैट मैक्सवेल इक्वेशन, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस। इसी तरह यहाँ भी बी बराबर म्यू एच रख देंगे तो हमें मिल जाएगा डेल डॉट बी बराबर तो जीरो है ही, इससे बी बराबर म्यू एच, म्यू नॉट एच रखा तो डेल डॉट एच भी हमें जीरो मिल जाएगा। और चौथी इक्वेशन में देखेंगे ये जो जे है कंडक्शन करंट डेंसिटी, ये सिग्मा होती है, लेकिन फ्री स्पेस में कंडक्टिविटी क्या होती है जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू, ये जीरो हो गया, और डी बराबर एप्सिलॉन ही, एप्सिलॉन भी एप्सिलॉन नॉट क्योंकि एप्सिलॉन आर वन है, डेल ई बाय डेल टी। यानी आई कैन राइट फॉर फ्री स्पेस वी आर हैविंग द पॉइंट फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन डेल क्रॉस ई बराबर माइनस म्यू नॉट डेल एच बाय डेल टी एंड डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। एंड फ्री स्पेस के लिए दो बची हुई मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट ई बराबर जीरो, डेल डॉट एच बराबर जीरो, या डेल डॉट डी बराबर जीरो, डेल डॉट बी बराबर जीरो। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दोनों का डायवर्जन जीरो है, या यूं कह लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का डायवर्जन जीरो है, इस तरह से भी कहेंगे तो मैक्सवेल इक्वेशन हमारी निकल आएंगे फ्री स्पेस, ठीक है। और जिस तरह से अभी हमने देखा कि पॉइंट फॉर्म को इंटीग्रल फॉर्म में बदलते हैं तो वो हम किसी भी मीडियम के लिए भी बदल सकते हैं और फ्री स्पेस के लिए भी बदल सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर हमारे पास आ गया है, मैं इन इक्वेशन को नेक्स्ट स्लाइड में नोट कर लेता हूँ, डेल डॉट डी जीरो और डेल डॉट ई जीरो, इसी तरह एक डेल डॉट जे जीरो, नहीं डेल डॉट बी जीरो, और बी बराबर हमने क्या लिख दिया था म्यू एच, तो डेल डॉट एच जीरो, और डेल क्रॉस ई हमें क्या मिला था माइनस डेल वी बाई डेल टी, मी बराबर म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट डेल एच बाई डेल टी, और डेल क्रॉस एच हमें क्या मिला था, डेल क्रॉस एच मिला था एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी, ओके। तो दीज आर नथिंग बट द पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की मैक्सवेल इक्वेशन है। इन्हीं को यदि हम इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल डी डॉट डी एस और इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रल बी डॉट डी एस और इंटीग्रल एच डॉट डी एस इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तीसरी इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए इंटीग्रल ई डॉट डी एस लाइन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल, तो डेल क्रॉस ई की वैल्यू कितनी हो गई माइनस म्यू नॉट डेल एच बाई डेल टी डी एस, एंड सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी डॉट डी एस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फॉर फ्री स्पेस, द ओनली डिफरेंस इज दिस इज पॉइंट फॉर्म एंड दिस इज इंटीग्रल। So I hope I made it clear to you what is Maxwell equation, how can we write the point form, how can we convert into the integral form, how can we write the Maxwell equation for free spaces, okay? These are the Maxwell equation, और gate में सीधे सीधे question होता है चार में से सही equation पहचानना। अगर हमें Maxwell equation सब बनती हैं तो हम
गलत आंसर ढूंढ सकते हैं या सही आंसर ढूंढ सकते हैं जो पूछा जाए, कि अगर पूछा गया विच इक्वेशन इज इनकरेक्ट तो वो भी पहचान सकते हैं, विच इक्वेशन इज करेक्ट तो वो भी पहचान सकते हैं। पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, फर्स्ट वन इज द गॉस लॉ, सेकेंड इज फैराडेज लॉ, थर्ड वन इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल एंड फोर्थ इज एम्पियर्स लॉ। देन टू थ्योरम्स विच वी हैव टू यूज ओवर हियर, डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, एंड विद द हेल्प ऑफ दोस थ्योरम वी कैन कन्वर्ट द पॉइंट फॉर्म इनटू इंटीग्रल फॉर्म ओके, लाइक डी डॉट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल रो वी डी वी, क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी डी वी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल टी, इसमें हमने स्टोक्स थ्योरम लगाया, तो क्लोज लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल टी डॉट डी एस। सिमिलरली डेल डॉट बी बराबर जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज जीरो, इसको हमने कन्वर्ट किया तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज जीरो, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे सी प्लस जे डी, इंटीग्रल एच डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रल जे प्लस डेल डी बाय डेल टी डॉट डी एस, मैक्सवेल इक्वेशन फॉर द फ्री स्पेस, डेल डॉट डी बराबर ओ वी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाय डेल टी, वी कैन कन्वर्ट इन टू द कन्वर्ट दीज फोर मैक्सवेल इक्वेशन इन जनरल इन फ्रॉम इन जनरल टू फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में देर विल बी नो लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कंडक्टिविटी इज ऑल्सो जीरो, एंड म्यू आर इज वन एंड एप्सिलॉन आर इज ऑल्सो वन, ओके, सो ओनली म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, दीज टू टर्म्स विल एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस। सो दिस इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इन टू डेल डॉट डी इज इक्वल टू जीरो और डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, सो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल एच बाय डेल टी, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, b is equal to mu naught s, del dot s is equal to 0, del cross s is equal to j plus del d by del t, del cross s is equal to epsilon naught del d by del t, del dot d is equal to 0, okay. And this is, in this slide, I told you how to convert the point form of the Maxwell equation for free space into the integral form of the Maxwell equation for the same free space. Okay, I hope I made it clear to you. Please revise all these concepts because Maxwell's equations are very important as far as the competitive examinations are concerned. Okay, thank you very much for